नमस्कार प्रिय दर्शकों हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं शांति करता हूं जिज्ञासाओं की जो निरंतर आपके मन में उत्पन्न हो रहे हो तो चलिए बिना विलंब के कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं सबसे पहली जिज्ञासा है चेतन खांडेकर जी की इन्होंने पूछा है मीन लग्न में पंचम भाव में गुरु वक्र होकर के बैठे हैं और चतुर्थ भाव में चंद्र हैं तो क्या ये गजकेशरी योग बनेगा नहीं ये गजकेशरी योग तो नहीं है यहां पर देव गुरु बृहस्पति अवश्य उच्च के होकर के बैठे हैं लेकिन ये गज केसरी योग नहीं है गजकेशरी योग बनता है देव गुरु बृहस्पति और चंद्रमा की युति से दृष्टि संबंध से अथवा देव गुरु बृहस्पति चंद्रमा से केंद्र में हो एक चार सात दस यानी युति में हो या एक चार सात दृष्टि संबंध चौथे दसवें हो तब बनता है गजकेशरी योग गजके योग नहीं है हाँ ये जरूर है कि यहां देव गुरु उच्च राशि में बैठे हैं और चंद्रमा भी केंद्र में ही है सो अच्छा है ये सुनील कुमार हैं इन्होंने पूछा है कि मकर लग्न की कुंडली में शनि मंगल राहु युति लग्न में लग्न और लग्नेश दोनों अंश बल से कमजोर हो तो क्या नीलम पहनाया जा सकता है मकर लग्न की कुंडली में शनि मंगल राहु युति सब लग्न में ही है अब आपका कहना है कि शनिदेव लग्नेश होकर के लग्न में ही बैठे हैं परंतु लग्न और लग्नेश दोनों अंश बल से कमजोर हैं देखिए आमतौर पर देखा जाए तो इस स्थिति में नीलम धारण करने में कोई बुराई नहीं है इससे लग्न और लग्नेश दोनों को बल जाएगा लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि यहाँ शनिदेव राहु के साथ भी बैठे हैं और दुर्घटना के कारक मंगल के साथ भी इस अवस्था में जातक के अंदर कहीं ना कहीं ये विघटनकारी स्थिति उत्पन्न होने वाली है लग्न में यहाँ दुर्घटना की भी स्थिति है और स्वास्थ्य में भी परेशानी शनि राहु संयुतः सर्वदा रोग संयुक्त और कहीं ना कहीं दुर्घटना का कारक लग्न में जाकर के बैठा है तो वैसे मैं शनिदेव के बल शनिदेव को बल देने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ आप चाहें तो नीलम धारण कर सकते हैं नीलम धारण करने से ज़्यादा बेहतर होगा पहले नीली धारण करके जो शनि का रत्न का उपरत्न है ये देख लिया जाए और शनिदेव की आराधना की जाए उनके मंत्रों का जप किया जाए ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा नीतू राय हैं इन्होंने पूछा है कि सिंह लग्न में रॉय नीतू रॉय सिंहलग्न में ग्यारहवें भाव में वक्री गुरु राहु के साथ बुध सूर्य शुक्र चंद्र ष्ठ में मंगल अष्टम में और शनि दसवें भाव में इन्होंने पूछा है वक्री गुरु का क्या प्रभाव होगा सिंहलग्न में ग्यारहवें भाव में वक्री गुरु राहु के साथ बैठे हैं यहां तो देखा जाए तो पंचमेश बन जाते हैं देव गुरु बृहस्पति वो जाकर के लाभ भाव में बैठे हैं वक्रवस्था में होना अच्छा है राहु के साथ होने से और भी अच्छा है लाभ में कहीं कोई कमी जीवन काल में नहीं आएगी पंचमेश बनकर के पंचम को देखेंगे तो संतान सुख भी देंगे कहीं ना कहीं राहु और गुरु की युति के कारण जीवन में जिस तरह का यश मिलना चाहिए अच्छा करने के बावजूद तो ये यश में कहीं ना कहीं कमी लेकर के आएंगे इस अवस्था में जातक अथवा जातिका किसी के लिए भी श्रेष्ठ कर लीजिए जितना अच्छा आप चाहें कर लीजिए लेकिन सामने वाला यह नहीं कहेगा कि हां जी आपके चलते मेरा सब कुछ अच्छा हुआ है तो यह एक जरूर स्थिति रहेगी बाकी अगर देखा जाए तो यह बहुत अच्छी स्थिति है यह अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है मैत्री हैं इन्होंने पूछा है कि कर्क लग्न की कुंडली में शनि लाभ भाव में और मंगल अष्टम भाव में स्थित हैं तो शनि और मंगल परस्पर दृष्टि योग का क्या फल होगा लग्न की कुंडली में शनि लाभ भाव में है और मंगल अष्टम में देखिए कर्कलग्न में सर्वाधिक योग कारक है मंगल लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि मंगल अष्टमस्थ हो और ऐसे मंगल पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो यह विशेष दुर्घटना की संभावनाओं को दर्शाता है ज्योतिष तो शास्त्र में इस योग को दुर्घटनावशात मृत्यु की सूचना के बारे में देखा जाता है आगजनी एक्सीडेंट गोली लगना ऑपरेशन टेबल पर मृत्यु हो जाना इसकी संभावनाओं को यह दर्शाता है यह ठीक नहीं माना गया है किसी की भी कुंडली में ये योग हो, तो ऐसे जातक को सुदैव भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए महामृत्युंजय का जब स्वयं और ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहिए बाकी की जन्म कुंडली में जब योग इस तरह का अकारक अथवा मारक यो, योग आएगा तब तो विशेष सावधान रहना चाहिए यह योग ठीक नहीं है भूमिका वैश्य हैं इन्होंने पूछा है कि धनुलग्न की कुंडली में धनेश शनि ष्ठ भाव में और आयेश शुक्र बारहवें भाव में और इन दोनों भावों में कोई ग्रह नहीं है तो धन की स्तुति कैसी होगी कमाल देखिए कि शनिदेव में कारक और बारहवें में शुक्र कारक होते हैं परंतु इन दोनों के दृष्टि संबंध को ज्योतिष शास्त्र में राजयोग भंग का कारण माना गया है एक दूसरा धनपति का जाकर के ष्ठ भाव में बैठना ये ऋण कारक स्थिति है ऐसा जातक किसी को ऋण दे दे या ऋण दिला दे तो फंस जाता है वो शुक्र का बारहवें में होना तो ठीक है परंतु शनिदेव की दृष्टि का पढ़ना ठीक नहीं है अब यहाँ देखिए कि लाभेश बने शुक्र बारहवें में बैठे हैं तो ये अच्छा है ये भी एक प्रकार का राजयोग है क्योंकि लाभ होगा तभी तो व्यय होगा तो ये तो ठीक है पर समस्या यहाँ और भी है कि आपने जैसा कहा कि ये भाव खाली है भाव खाली होना समस्या नहीं है अगर ये भाव सुप्त हो तो समस्या है तो पहले तो ये देखिए कि कहीं धन और लाभ सुप्त तो नहीं है सुप्त अर्थ होता है इसमें कोई ग्रह भी ना हो और किसी की दृष्टि भी ना पड़े तो ये भाव सुप्त हो जाएगा तो उस अवस्था में धन की स्थिति में परेशानी ज्यादा आएगी अगर ये भाव सुप्त नहीं है तो ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है परंतु हां ऐसी अवस्था में जातक कभी किसी को ऋण प्रदान न करे ऋण न दे न दिलाए दोनों ही अवस्थाओं में नुकसान होगा मोहित कुमार हैं और इनका जो प्रश्न है धनु लग्न और लग्न में मंगल चंद्र की युति है तो क्या चंद्र को अष्टमेश का दोष लगेगा नहीं चंद्रमा को अष्टमेश का दोष नहीं होता है और लग्न में चंद्र मंगल योग होना ठीक है अगर इस हिसाब से देखा जाए तो चंद्र मंगल योग लग्न में है परंतु यहाँ एक समस्या जातक के जीवन काल में हो सकती है वो है जातक को कफ जन्य रोगों की शिकायत होना सर्दी साइनस प्रॉब्लम कफ से संबंधित परेशानियों की संभावना बनी रह सकती है तो यह जरूर सावधानी का विषय है बाकी कोई दिक्कत नहीं और यह हैं सौरभ वडकार सौरभ जी हैं इन्होंने पूछा है कि शनिदेव ग्यारहवें भाव में नीच राशि में तो शनिदेव का क्या फल होगा देखिए लाभ भाव में नीच का ग्रह भी कोई बुरा नहीं है जन्म कुंडली का जो छठा भाव है वो रोग रिपूर्ण का है तो छठे से छठा छठे से छठा लाभ भाव वहां पर शनिदेव राशि में भी बैठकर लाभ में कोई परेशानी नहीं करेंगे लेकिन चूंकि शनिदेव कुंडली में जब भी लाभ भाव में होंगे तो उनकी दृष्टि कहां पड़ेगी लग्न पर पड़ेगी तो लग्न पर पड़ेगी तो ये हर कार्य को विलंबित कराने वाले होंगे अब सवाल ये उठता है कि अगर मैं ये कहता हूं कि अच्छा लाभ कराने वाले होंगे तो ये सूत्र गलत सिद्ध हो जाएगा क्योंकि जातक के जीवन काल में जब सब कुछ विलंबित है तो लाभ भी विलंबित होगा तो यहां यह बात जरूर ध्यान में रखना है कि शनिदेव लाभ में कारक है धन लाभ कराने में कोई कमी नहीं करते लेकिन हां चूंकि यहां बैठ करके लग्न पर दृष्टि डालेंगे और यह जातक के जीवन काल में जातक के प्रत्येक कार्य को विलंबित कराने वाला बनेगा तो विलंब से ही जातक के सभी काम होंगे लेकिन लाभ के मामले में कोई विशेष चिंता नहीं है और यह हैं रॉकी जी इन्होंने अपना प्रश्न पूछा है कि अगर सूर्य बुध और राहु की युति नवम भाव में तुला राशि में जिसमें राहु और वक्री बुध अस्त हो उसमें कौन सा ग्रह शुभ फल देगा देखिए मैं बता दूं कि राहु तो अस्त होता नहीं है ये सूर्य को ग्रहण लगा देता है अब सूर्य बुद्ध और राहु की युति का नवम भाव में होना सूर्य भाव भाग्य भाव में कारक है और बुधादित्य योग को ज्योतिष तो शास्त्र में नवम भाव में कारक ही माना गया है बुध के अस्त होने से कोई नुकसान नहीं है ये बात ध्यान से नोट करिए कि बुध अस्त हो जाए तो कोई समस्या नहीं है परंतु नोट यह करना है कि बुध की डिग्री बारह से ऊपर हो देखिए ज्योतिष शास्त्र में तीन ग्रहों की चर्चा है शनि और शुक्र सूर्य के साथ अस्त होते हैं तो उनके बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता नोट करिए शनि और शुक्र सूर्य के साथ हो और अस्त हो तो वो जितना बल लिए हो अंश बल उनके पास जितना हो उतना ही वो प्रभाव देंगे उनके प्रभाव में कोई कमी नहीं आएगी और बुद्ध ऐसा है कि ये बारह अंश से ऊपर हो और अस्त हो तो और ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है इसके बल में वृद्धि हो जाती है अंतर समझिए शनि शुक्र भी बल दे रहे हैं लेकिन इनके बल में वृद्धि नहीं हो रही है वरण जितना इनका बल है उतना ही प्रभाव आपको मिलेगा बुध बारह अंश से ऊपर है और अस्त है तो उसके प्रभाव में वृद्धि हो जाती है अब यहाँ देखा जाए तो सूर्य भी साथ में वहीं पर बैठे हुए हैं तुला लग्न की कुंडली आपने बताया कि अच्छा आपने ये तुला लग्न नहीं कहा है वरण ये कहा है तुला राशि में तो सूर्य यहाँ पर नीच राशि में हो जाते हैं नीच राशि में होने से कोई समस्या नहीं है बुद्ध की शुक्र की स्थिति को जरूर देख लेना चाहिए अब यहाँ पर कौन सा ग्रह बलि रहेगा तो बुद्ध का अंश अगर ज्यादा है तो बुद्ध का बल बलि रहेगा और वो भाग्य भाव में बैठ करके तुला राशि में भाग्य वृद्धि कराने में कहीं कोई कमी नहीं लाएगा राहू को भी भाग्य में कमी लाने वाला नहीं कहा जाएगा ऐसी अवस्था में ये जातक के पिता के स्वास्थ्य को कमजोर कराने वाला पिता के साथ मतभेद कराने वाला होगा लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि बुद्ध और राहु दोनों के दोनों श्रेष्ठ प्रभाव ही देंगे आदित्य अवस्थी हैं इन्होंने पूछा है यदि तुला लग्न में शुक्र मंगल की युति तो लग्न में, में ही है तो सीधी सी बात है आप देखने में अच्छे होंगे क्योंकि शुक्र लग्न में हो और तुला राशि में हो तो सीधी सी बात है कि व्यक्ति को खूबसूरत बना देता है मंगल साथ ही साथ बैठा है तो आप इस खूबसूरती का नाजायज फायदा भी उठाने वाले बन जाएंगे चारित्रिक रूप से कमजोर भी कर देता है क्योंकि मंगल जो है पराक्रम है अब शुक्र के जब साथ हो तो पराक्रम तो हम कहीं भी कर सकते हैं पराक्रम जीवन के कई क्षेत्रों में होता है लेकिन शुक्र के साथ ये मंगल मिले तो फिर पराक्रम कई बार गलत दिशा में कराने लगता है तो हाँ ये है तो अच्छा मालव भी योग है लेकिन मंगल के साथ होने के कारण ऐसा जातक गलत संगति गलत प्रवृत्ति गलत आचरण और गलत कार्यों को करने वाला बन जाता है शास्त्र में इस युति को चारित्रिक दोष के रूप में देखा गया है तो आप जरूर इस मामले में सावधान रहिए और ऐसी कोई गलती ना करिए प्रवीण प्रकाश हैं, इन्होंने पूछा है कि वृषभ लग्न और सिंह राशि लग्न में मंगल है शुक्र मीन में गुरु केतु कर्क में सूर्य बुध कुंभ में शनि राहु मकर में कौन सा रत्न धारण करना चाहिए कुंडली तो काफी अच्छी बता रहे हैं आप वृषभ लग्न सिंह राशि लग्न में मंगल बता रहे हैं तो मंगल के लग्न में होने से धैर्य की कमी शुक्र का मीन में होना अर्थात उच्च का गुरु केतु कर्क में गुरु उच्च राशि में बढ़िया है सूर्य बुध कुंभ में है यह भी ठीक ठाक है शनि राहु मकर में शश महापुरुष योग अर्थात देखा जाए तो दो दो महापुरुष योग तो इस कुंडली में साफ साफ मुझे दिखाई पड़ रहे हैं शुक्र भी मीन राशि में उच्च के ही होकर के बैठे हैं तो यह भी अच्छी स्थिति है सीधी सी बात है कि वृषभ लग्न की कुंडली है आप शनि शुक्र बुद्ध तीनों का रत्न पहन सकते हैं वैसे शनि और शुक्र का तो अवश्य ही पहन लीजिए गीताराम जी हैं गीताराम पाइनुली ठीक है आपका जो प्रश्न है यह है सूर्य चंद्रमा अगर एक साथ लग्न में मकर राशि में है तब क्या फल है सीधी सी बात है कि मकर लग्न की कुंडली में सूर्य अकारक चंद्रमा भी अकारक है या मारक है अब ये दोनों जब लग्न में आकर के बैठेंगे तो पहले तो चंद्रमा सूर्य के साथ है तो मानसिक अशांति का ये कारण बनेगा और साथ ही साथ ये स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी जातक को चिड़चिड़ा जिद्दी गुस्सैल बनाने का काम करेगा और मूलतः जो सबसे बड़ी समस्या है वो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों को ये दर्शाता है जातक स्वास्थ्य के मामले में कहीं ना कहीं कमजोर होगा और एकदम ठीक ऐसा ही मिलता जुलता प्रश्न अंजना सिकरे का है सिरके का है इन्होंने पूछा है यदि सूर्य और चंद्रमा एक ही घर में हो तो कैसा फल देते हैं और वही चंद्रमा अमावस्या के हों लगभग सूर्य चंद्रमा एक साथ हो तो अमावस्या के ही होंगे बस सीधी सी बात है एक ही अभी जो कारण मैंने उपाय परिस्थिति जो मैंने बताई थी मानसिक अशांति का ये प्रबल कारण उत्पन्न करेंगे मन अशांत होगा सबसे ज्यादा जो समस्या होगी वो मानसिक अशांति की होगी चाहे वो किसी भी भाव में हो मानसिक अशांति तो होगी ही होगी और अगला जो प्रश्न है ये सुनीता शर्मा है इन्होंने पूछा है कि अगर मकर लग्न में राहु बारहवें भाव में हो शनि लग्न में हो मंगल भाग्य में बाकी सभी ग्रह अष्टम में और राहु की महादशा हो कौन सा मंत्र का जप करना चाहिए और कैसे करना चाहिए देखिए मंत्र जप का नियम तो वही है कि स्नान आदि से निवृत्त होकर के और अपने गुरु का गणेश जी का ध्यान करके आप आचमन इत्यादि करके मंत्र जपिए यही मंत्र जप का विधान है कौन सा मंत्र नियमतः तो देखा जाए तो आपके पास दो विकल्प है एक आप राहु का ही मंत्र जप लीजिए दूसरा सबसे बढ़िया है गंगड़ पतय नम गणेश जी का मंत्र जपिए गणेश जी की आराधना से बुद्ध को बलि करने से राहु का दोष दूर दूर हो जाता है और बुद्ध को ठीक करने के लिए गणेश जी की आराधना करनी चाहिए राहु की जब दशा चलती है तो व्यक्ति की बुद्धि जो है वो भ्रमित हो जाती है और गणेश जी जो हैं वो हर प्रकार के भ्रम को ही तो दूर करते हैं विघ्न का ही तो नाश करते हैं तो सबसे श्रेयस्कर उपाय यही है कि जातक गणेश जी की आराधना करे तो गणेश जी की आराधना से उसके सभी विघ्न सभी दोष सभी संकट दूर हो जाएंगे और फिर उस अवस्था में उसको सब कुछ मिल जाएगा तो मेरी राय सबसे अच्छा है यही है आपके लिए कि गणेश जी की आराधना करिए गणेश जी के मंदिर में जाकर के प्रत्येक बुधवार को गणेश जी को दूरबा अर्पित करिए इनके मंत्र का जो जप है गंगड़पते नमक तीन माला जप करिए देखिए बहुत लाभ करेगा सौरभ जी हैं इन्होंने पूछा है कि यदि दसम भाव का प्रभाव जातक को केवल दस प्रतिशत ही मिले तो क्या वह आईएएस बन सकता है अब ये तो आपने कैसे तय किया है कि आपको आपके दसम भाव का दस प्रतिशत प्रभाव मिल रहा है ये प्रतिशत कैसे निकाला आपने पहले तो इस प्रतिशत पर मुझे प्रश्न उठाना पड़ जाएगा एक दूसरा चलिए ये मान लेते हैं कि दसम भाव का दस प्रतिशत ही प्रभाव मिल रहा है तो ये जान लीजिए कि आप एक बात ध्यान से समझ लीजिए चाहे वो आई अधिकारी की बात करिए या एक प्यून की बात करिए चपरासी मैं दोनों के लिए ही जन्म कुंडली के दसम को बलि ही देखूंगा अब सवाल उठता है कि जन्म कुंडली का दशम कमजोर हो तो क्या ऐसा व्यक्ति आईएएस नहीं बन सकता संभावना तो कम है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है जन्म कुंडली में बहुत अच्छे अच्छे अगर राजयोग लगे हों बहुत अच्छे अच्छे राजयोग लगे हों सूर्य उच्च राशि में बैठा हो जातक का मंगल उच्च राशि का हो या बलि हो गुरु बलवान अवस्था के हो तो दसम भाव पीड़ित भी हो कमजोर भी हो तब भी संभावना है जन्म कुंडली में गजकेसरी योग हो तब भी संभावना है कि ऐसा जातक आईएस अधिकारी बन सकता है तो केवल दशम भाव का प्रतिशत कैसे निकाला यह पहले जानकारी होनी चाहिए कि किस आधार पर आपने निकाला और केवल एक भाव मात्र से कोई आईएएस नहीं बनता ना तो दशम भाव ही बलि अब मान लिया जाए कि और भाव कमजोर है दशम भाव सौ प्रतिशत बलि है तब क्या आई बन जाएगा नहीं बन पाएगा तब भी नहीं बन पाएगा तो किसी एक भाव से व्यक्ति न तो आईएएस बनता है न प्यून बनता है यह भी ध्यान रखिएगा प्यून भी बनने के लिए दसम भाव के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता और आईएस बनने के लिए भी नहीं बाकी की स्थितियां भी मजबूत होनी चाहिए दस प्रतिशत ही मजबूत है लेकिन बाकी भाव मजबूत पड़े हुए हैं पराक्रम मजबूत पड़ा हुआ है भाग्य मजबूत पड़ा हुआ है तब भी बन जाएगा और अगला प्रश्न है देव दर्शन साहू का ये इन्होंने पूछा है यदि दो वक्र वक्र ग्रह युति में हो जन्म कुंडली में तो कैसा प्रभाव होगा यह देखना होगा कि ये दोनों वक्री ग्रह आपस में क्या मित्र हैं यदि मित्र हैं तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव में बल वृद्धि कराएंगे बल डालेंगे अगर एक दूसरे के पूरक नहीं है शत्रु हैं तो फिर कहीं ना कहीं परेशानी होगी ये भी देखना पड़ेगा कि कौन है दोनों वक्र ग्रह कौन कौन से हैं मित्र हैं तब तो, तो बहुत अच्छा है ये दोनों एक दूसरे के बल को वृद्धि देंगे बल में वृद्धि लाएंगे तो यह पहले देखना होगा कि दोनों एक दूसरे के लिए किस तरह की स्थिति उत्पन्न करने वाले ग्रह हैं अब जैसे मान लिया जाए नैसर्गिक शत्रु हैं देवगुरु बृहस्पति शुक्र के लेकिन धनु राशि में धनुराशि में गुरु और शुक्र ही वक्र अवस्था में बैठे हों तो नैसर्गिक शत्रु होने के बावजूद मैं कहूंगा कि शुक्र के बल में कोई कमी नहीं आएगी और गुरु तो अपने घर में ही है तो दोनों के दोनों कहीं ना कहीं यहां शुक्र भी अच्छी स्थिति को जाएंगे और गुरु भी तो ये अच्छा है लेकिन ये देखना होगा कि कौन वो ग्रह है ये जरूर है कि दोनों जो साथ बैठे हैं दोनों एक दूसरे के क्योंकि मैंने क्या बताया था कि एक बढ़ाएगा तो यहां दोनों एक दूसरे के बल को बढ़ाएंगे शिव सैलवाल हैं इन्होंने पूछा है दसम भाव में बलवान राहु मेष राशि में मकर की मंगल की सातवीं दृष्टि से दृष्ट राहु गोचर में मेष में आने वाले हैं क्या प्रभाव रहेगा देखिए सबसे पहले तो बता दूं कि कर्क लग्न में राहु बलवान तो नहीं हो सकते क्योंकि कर्क लग्न की आपने कुंडली की चर्चा की है क्योंकि मेष तभी होगा दसम में अब आपने जैसा कहा कि मंगल की दृष्टि से दृष्ट और शायद मंगल भी आपका बलि है इसलिए आपने कहा कि बलवान राहु और हां है भी दशम भाव में राहु विशिष्ट कारक हो जाते हैं राहु का गोचर में चेंज होना मेष राशि में आना कोई विशेष बुरा नहीं होगा क्योंकि दसम की चर्चा आप कर रहे हैं और दसम में राहु आपके हैं और गोचर में चेंज होकर के मेष में आएंगे तो आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होंगे बाकी की और कुंडली में कोई दशा बुरी नहीं चल रही हो तो ये अच्छा है क्योंकि मैं हमेशा कहा करता हूं ना कि गोचर का जो जिक्र है गोचर को जो समझना है तो वो तभी गोचर को आप समझ सकते हैं जब जन्म कुंडली के वर्तमान दशाओं को समझे ग्रह दशा ही आपके गोचर को तय करती है तो पहले वर्तमान दशा की स्थिति को समझना होगा और तब गोचर को हम तय करेंगे और ये प्रश्न जो है ये राहुल दप, दाप करा राहुल जी हैं इन्होंने पूछा है कि धनुलग्न में गुरु दूसरे घर में नीच का है शनि बारहवें घर में है तो ऐसी स्थिति में नीच भंग होगा या नहीं शत प्रतिशत होगा लेकिन यह नीच भंग भी आपकी समस्या का सौ प्रतिशत समाधान नहीं है कैसे धनु लग्न में देव गुरु बृहस्पति नीच राशि में बैठे हैं तो किसकी राशि में नीच में हुए मकर राशि में अब मकर का स्वामी कौन है देव कहां बैठे हैं बारहवें में बैठे हैं तो धनपति जब बारहवें में जाकर के बैठ जाएं तो यह सीधी सी बात है धननाश योग बना धन कारक धन भाव में बैठा है अब गौर करिए ज्योतिष का यहां कई सारा सूत्र एक साथ लागू हो रहा है ज्योतिष का पहला सूत्र कहता है कि लग्नेश जिस भाव में बैठेंगे उस भाव की वृद्धि करेंगे परंतु लग्नेश तो स्वयं नीच राशि में है नीच भंग विकल्प है नीच भंग विकल्प है यहां नीच भंग तो हुआ लेकिन धन के मामले में श्रेष्ठ स्थिति कभी नहीं कही जाएगी क्योंकि धन कारक का द्वितीय भाव में राशि में बैठ करके विच्छेदात्मक शनि की दृष्टि से दृष्ट होना अब ज्योतिष शास्त्र का एक दूसरा सूत्र कहता है कि यो यो भाव स्वामी दृष्टो युतो होगा शनि यहां पर अपने ही घर को देखकर क्या धन भाव में वृद्धि नहीं करेंगे यहाँ पर शनिदेव अपना काम करेंगे रिश्तों में तो निसंदेह विच्छेद कराएंगे परंतु कुछ धन संचित अवश्य कराएंगे लेकिन कुछ क्योंकि वो स्वयं व्यय कराने पर उतारू हैं अतः धन आएगा काम आपका होता रहेगा और चला जाएगा धन संचित नहीं हो पाएगा लेकिन ये भी है कि यहाँ धन का धनपति धन को देख रहा है धन कारक भी वहाँ बैठा है भले वो नीच राशि में परंतु लग्नेश है फलतः धन के कारण काम नहीं रुकेगा पर धन संचित भी नहीं होगा और प्रिया चतुर्वेदी का प्रश्न है कि वृश्चिक लग्न में लग्नेश मंगल भाग्य में नीच के हैं और चलित में देखने में यह अष्टम भाव का फल दे रहे हैं तो यह मंगल कैसा है निसंदेह नीच का है लेकिन अष्टम भाव में अगर देखें तो कहीं ना कहीं अष्टम का फल दे रहा है तो ठीक है नीच का अब देखा जाए तो नीच राशि में है परंतु कम से कम वो नीच का फल नहीं दे रहा है नीच का फल नहीं दे रहा है अब सवाल उठता है कि कैसा फल दे रहा है तो मिथुन राशि में का फल दे रहा है मिथुन राशि भी कोई श्रेष्ठ राशि नहीं है उसके लिए मिथुन राशि भी श्रेष्ठ नहीं है अगर वो नवम में बल्कि नीच का भी फल देता तो ज्यादा खराब नहीं था ये चलित में जो अष्टम का फल दे रहा है ये कहीं ज्यादा कमजोर स्थिति है यहां नीच का मैं ज्यादा अच्छा समझता भाग्य भाव में होता तो क्या होता उससे जातक का भाग्य कमजोर नहीं होता संभवतः जातक अथवा जाति का धार्मिक रुचि लेने वाला ना हो धर्म में उसकी रुचि कम हो यहाँ बल्कि मंगल का अष्टम का फल देना ठीक नहीं है फिर भी आपके लग्नेश से है इनको बल तो देना ही होगा तो मंगल का रत्न धारण करने की जगह तांबे का छल्ला अगर ऐसा जातक धारण का धारण करे अनामिका में तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा देव वाला ये पूछ रहे हैं कि धनुलग्न में चंद्रमा चतुर्थ भाव में मीन राशि में है और गुरु अष्टम में कर्क राशि में है तो गुरु की नौवीं दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है क्या यह गजकेसरी योग बन जाता है ये नवम पंचम योग बन जाता है गज केसरी योग ये नहीं बन रहा है और हेमलता उपाध्याय जी हैं इन्होंने पूछा है कि मिथुन लग्न में बुध अस्त उनतीस डिग्री सूर्य चंद्रमा के साथ कर्क राशि में हैं पर बुध नौमांश में नीच के हैं क्या पन्ना पहन सकते हैं नौमांस में ग्रह नीच का है मतलब नीच का फल दे रहा है अब जरा देखिए कि जन्मांक में देव गुरु बृहस्पति किस स्थिति में है और नौमांस में देव गुरु बृहस्पति किस स्थिति में है अगर दोनों में देव गुरु की स्थिति अच्छी है अच्छे भाव से वो संबंध बना रहे हैं तो फिर पहन सकती हैं आप पन्ना और प्रज्ञा सिंह जी हैं इन्होंने पूछा है कि वृषभ लग्न में गुरु दशम भाव में वक्री तथा अष्टम भाव में मंगल हैं शनि सप्तम भाव में है क्या गुरु की महादशा में मंगल का अंतर मार्केश होगा वृषभ लग्न में गुरु दशम में है ठीक है अष्टम भाव में मंगल है तो ये तीसरे ग्यारहवें का संबंध है यहां बता दूं कि गुरु की दशा मंगल की अंतर दशा ठीक नहीं होगी मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत श्रेष्ठ फल प्रदायक होगी लेकिन जानलेवा भी नहीं होगी क्योंकि तीसरे ग्यारहवें के संबंध में है अच्छा नहीं है पर बहुत खराब भी नहीं है यह प्रश्न श्याम सुंदर शर्मा जी का है इन्होंने पूछा है कि मकर राशि और सिंह लग्न है छठवें घर में शनि और चंद्र की युति है आठवें घर में गुरु बृहस्पति हैं क्या फल होगा मकर राशि और सिंह लग्न छठे घर में शनि और चंद्र की युति ये विषयोग हो गया और आठवें घर में गुरु अब देखा जाए तो सिंह कन्या अर्थात तो सिंह लग्न की कुंडली है अब देखा जाए तो देव गुरु जाकर के अष्टम में बैठे हैं तो कोई बुराई नहीं है आयु वृद्धि कराने वाले हैं धन पर दृष्टि डाल करके धन भी बढ़ाने वाले हैं लेकिन यहां पर शनिदेव चंद्रमा के साथ बैठे हैं ये मानसिक अशांति की स्थिति उत्पन्न करेंगे और जातक को पेट का रोगी बनाएंगे क्योंकि दृष्टि शनि की गुरु पर है तो पेट का रोगी बना देंगे और अमृता जी का प्रश्न है कि कर्क लग्न में लग्न में ही सूर्य मंगल की युति दूसरे भाव में गुरु चंद्र बुध क्या फल देंगे लग्न में सूर्य मंगल की युति का लग्न में होना तो यहाँ लग्न में सूर्य तो ठीक है मंगल नीच राशि में है पर फिर भी दोनों की युति का पराक्रम योग बन गया और दूसरे भाव में गुरु चंद्र बुद्ध यहाँ गजकेशरी योग भी है तो ठीक है देखा जाए तो यहाँ पर चंद्रमा और सूर्य ने आपस में परिवर्तन कर रखा है और गुरु चंद्र की युति से गजकेशरी योग भी बना है बुद्ध भी यहाँ वैसे तीनों के तीनों शुभ ग्रह धन की स्थिति को मजबूत करेंगे जरूर मंगल लग्न में नीच राशि में बैठकर के जातक अथवा जातिका के स्वभाव में क्रोध की वृद्धि कराने वाले हैं तो अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिए अगर ये सूर्य मंगल दोनों के दोनों पाप ग्रह से दृष्ट हो जाएं तो ये नेत्रजन्य पीड़ा को बढ़ावा दे देंगे नेत्र से संबंधित परेशानी बाल झड़ने की शिकायत इत्यादि आएगी सूर्य की आराधना करिए और संभव हो तो मंगलवार का व्रत करिए इससे आपको लाभ मिलेगा तो प्रिय दर्शकों आज इतने ही प्रश्नों को लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था आज के लिए बस इतना ही इजाजत दीजिए पुनः मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार